स्वागत है आपको YouTube चैनल फेनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही छोटा सा स्टॉक के बारे में, अमाउंट के। यहाँ पे देखेंगे तो 100 रुपये के नीचे का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे लगता है कि एक मुनाफा देखने को आगे पे मिल सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है, ज़रूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड में आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त जो है मजबूती देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक में क्या चल रहा है और आगे क्या स्टॉक में हो सकता है। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 73.85 पैसा चल रहा था। 6 महीने के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 26.88% का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही जो है अच्छे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया है स्टॉक के बारे में, वो भी आगे शेयर करेंगे। 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 88.90 पैसा। 1 महीने के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग जो है 5.40% का। 5 डेज में देखेंगे तो 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 84 रुपीज़ चल रहा था। 5 डेज के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 11.55% का। एंड 1 डे पहले का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक में एक ज़बरदस्त मजबूती दिखा, यहाँ पे थोड़ा एक गिरावट उसके बाद देखने को मिला है। 6 महीने के अंदर अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है 94.35 पैसे तक पहुँच गया था। उसके बाद यहाँ पे भी 95 के ऊपर स्टॉक पहुँच गया था 6 महीने के अंदर। 1 मंथ के अंदर अगर देखेंगे तो 1 मंथ पे यहाँ पे गिरावट दिया, फिर से एक तेज़ी, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने के बाद फिर से यहाँ पे मजबूती बनता हुआ दिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कुछ महीने से, छोटा अमाउंट का स्टॉक है, जहाँ पे 73 रुपीज़ का स्टॉक अभी आप देख सकते हैं 15 से 20 रुपया बढ़ गया। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त रिटर्न लिया है। अगर आपने स्टॉक लिया है तो आपने इसमें जो है देखा रहेगा, ये स्टॉक में ज़रूर देखा रहेगा आपने क्या चल रहा है। तो इसके पहले भी जो हम लोगों ने इसके बारे में वीडियोज़ बनाया था, तो यहाँ पे फिलहाल जैसा लग रहा है कि स्टॉक में 2 से 3 रुपया और आगे देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए बाकी का इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लेते हैं ये स्टॉक के बारे में। जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग त्रिवेणी शेयर को लेके, त्रिवेणी लिमिटेड शेयर, इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर को लेके रिसर्च किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये स्टॉक के बारे में जो कुछ अच्छी बातें हैं, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड एंड लो PE रेशियो, एफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो शेयर होल्डर्स का जो फंड है ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से वो यूज़ करता है कंपनी के ग्रोथ के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, ROA इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है नेट प्रॉफिट है उसमें देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा ग्रोथ ये कंपनी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट टू ईयर्स। अगर ये कंपनी का आप देखेंगे तो जो कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो एनुअल नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो दोस्तों, इतने सारे अच्छे बातें हैं एक स्टॉक को लेके, या फिर अच्छे अपडेट से एक स्टॉक को लेके। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज, तो जीरो प्रोमोटर प्लेज ये भी बहुत अच्छी बात है। और बहुत वजह से कि हम लोग को देखने को मिलता है कि कंपनी का स्टॉक जो है, जो भी प्रोमोटर्स के पास स्टेक रहता है, कभी कभी जो है प्रोमोटर्स वो स्टेक गिर भी रखता है और कर्ज लेता है उसमें से। बट यहाँ पे अगर देखेंगे त्रिवेणी शेयर्स का, त्रिवेणी इंजीनियरिंग शेयर्स का छोटा अमाउंट का स्टॉक है और यहाँ पे प्रोमोटर्स देखेंगे तो उनका जो है एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, जीरो प्रोमोटर प्लेज, बहुत ही अच्छी बात है।
एफआईआई एफपीआई जो है अपना शेयर होल्डिंग बना रहे हैं ये स्टॉक में। छोटा अमाउंट का स्टॉक है दोस्तों, ज़रूर एक बार देखिए। नियर 52 एक हाई प्राइस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जो इतने सारे अच्छे बातें ये स्टॉक में देखने को मिला है, इसके अलावा भी यहाँ पे जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रिसर्च किया, वो भी आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतना एक जो स्टॉक है, जहाँ पे ग्राफ में भी हम लोगों ने देखा है लगभग 73 का स्टॉक जो है अभी 6 महीने के अंदर 15 से 20 रुपया रिटर्न दिया है। तो किसी ने अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखा रहेगा तो उन पर जो है अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिला रहेगा। और जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत बार जो है, अगर कोई भी स्टॉक जहाँ पे 65-67 के आसपास का स्टॉक है और वहाँ पे 3-4 रुपये 5 रुपये अभी अच्छा रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे जो है स्टॉक ने छोटा अमाउंट का स्टॉक होता है, यहाँ पे छोटा अमाउंट का स्टॉक ही है, फिर भी यहाँ पे जो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। और कंपनी में जो है अगर हम लोग देखते त्रिवेणी शेयर्स का, बहुत ही सारे यहाँ पे अच्छे अपडेट्स देखने को मिला है। और यहाँ पे और भी जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 68.35% टू 68.43% इन दिसंबर 2020 क्वार्टर्स। तो त्रिवेणी शेयर्स का जो त्रिवेणी कंपनी का जो ओनर है, प्रोमोटर्स है, उन लोगों ने जो है अपना शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 68.35% से 68.43% कर दिया है दिसंबर 2020 क्वार्टर में। तो यहाँ पे जो है ये भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें लगता है। एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड जो है अपना जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा दिया 3.41% से 3.82% कर दिया दिसंबर 2020 क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड ने जो अपना इन्वेस्टर जो शेयर होल्डिंग है वो भी बढ़ा दिया। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो थोड़ा यहाँ पे जो डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, 8-7 हो चुका है। एफआईआई एफपीआई जो है, जो अभी थोड़ा समय पहले भी हम लोगों ने देखा है, जो अपना होल्डिंग से 2.63 से 2.99% कर दिया है। नंबर ऑफ एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर्स जो है वो भी बढ़ चुका है 50 से 52% तक का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत अच्छे जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कंपनी में। एंड एफआईआई एफपीआई जो है इन्वेस्टर्स बढ़ चुका है, यहाँ पे जो है अच्छे खासे ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है दिसंबर 2020 क्वार्टर में। जो है यहाँ पे इन लोगों ने अपना शेयर होल्डिंग जो है वो भी बढ़ा दिया है। कंपनी जो है जीरो प्लेज प्रमोटर्स हैं, बहुत ही सारे अच्छे अपडेट्स है ये स्टॉक को लेके। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर लेना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे अच्छे अपडेट्स है, अगर यहाँ पे जैसा अभी स्टॉक में चल रहा है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो लगता है इसे हो सकता है कि 2 से 3 रुपये यहाँ पे देखने को मिल जाए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी जैसा हम लोग को देखने को मिला है इस कंपनी के बारे में, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा है दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक में कुछ भी अपडेट आता है, स्टॉक में एक गिरावट या फिर अपडेट दोनों देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने स्टॉक लिया है, खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि त्रिवेणी शेयर्स के या फिर माफ़ कीजिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर को लेकर क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।